हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आपके। होप यू आर ऑल वेल। आज मैं आपको चना दाल पराठा बनाना सिखा रही हूँ, जो कि सभी के लिए अच्छा है, बड़ों के लिए, छोटों के लिए और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी, क्योंकि ये चने दाल से बना है और बहुत ही टेस्टी है। तो आइए इजी चना दाल पराठा स्टार्ट करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, जो मैं चना दाल पराठा बना रही हूँ उसके लिए चाहिए हमें एक मसाला, जीरा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर, धनिया साबुत धनिया 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून सौंफ। इसको हमें एक दरदरा पाउडर बनाना है। इसके बाद है धनिया पत्ती, हरी मिर्च, एक मीडियम प्याज और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। और इसके अलावा चाहिए हमें 1 कप चना दाल उबला हुआ। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होना चाहिए कि हाथ से दबाएं हो जाए और इस तरीके से सॉफ्ट वाला होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल आप ला दिया या बिल्कुल पानी टाइप बना दे, बिल्कुल ऐसा खड़ा खड़ा होना चाहिए आपका चना दाल। और हींग और नमक और कुटी हुई मिर्च चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। गैस आप ऑन कर दीजिए। पहले हम बना रहे हैं फिलिंग। फिलिंग के लिए सबसे पहले हम लोगों ने गैस जलाई है और 2 टीस्पून हमने लिया है देसी घी। फिलिंग बना रहे हैं अभी। इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा सा गर्म हो जाए हमारा ये ऑयल। इसके अंदर डालेंगे हम लोग हींग। हींग को गर्म करेंगे फ्रेंड्स थोड़ा सा। देखिए चटकने लगी है हींग। अब हींग के साथ ही हम लोग डाल देंगे हरी मिर्च। साथ ही में अदरक और प्याज। और इसको हम थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाए हमारा प्याज, तब तक हम इसको पकाएंगे प्याज और इन सारी चीजों को। प्याज देखिए थोड़ा सा गोल्डन पिंक आ गया है। अब इसके अंदर वो चना का दाल हम लोग मिक्स कर देंगे और जो अपना नॉर्मल सॉल्ट है वो डालेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और, मैंने चना दाल उबालते हुए नमक डाल दिया था, तो आप नमक का थोड़ा ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अपने टेस्ट के अनुसार आप नमक डालिएगा। हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च डालूंगी मैं, लाल मिर्च कुटी हुई। और अभी हाफ टी स्पून मैं डालूंगी नमक, क्योंकि मैं डाल चुकी थी पहले। मिक्स करेंगे। बहुत सिंपल से फ्रेंड्स है, बहुत सिंपल और बहुत ही अच्छे हमारे पराठे बनते हैं और बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। अब इसके अंदर हम लोग ये कुटा हुआ मसाला डाल देंगे, जो हमने सौंफ, जीरा और साबुत धनिया लिया था। मिक्स कर देंगे और ऊपर से ये धनिया पत्ती डाल देंगे। सब चीजों को मिक्स कर देंगे और ठंडा कर देंगे। इस बीच में आपको एक चीज और अच्छा, बहुत अच्छी बनाना सिखा रही हूँ फ्रेंड्स, जो कि हम लोग पराठों के साथ बहुत लाइक करते हैं। इसके लिए भी क्या चाहिए हमें कि सबसे पहले एक छोटा सा पैन आप गरम करें, उसमें आप देसी घी डालिए या तेल कुछ भी आप ले सकते हैं। और इसमें मैंने ये धोकर बीच में से काट के हरी मिर्चें रेडी कर ली हैं। ये कोई 5-6 मिर्च हैं, इसको हम तुरंत ही बना सकते हैं। घी गरम किया या तेल उसमें ये डाल दिया और उसको थोड़ा रेड होने तक हम लोग फ्राई कर लेंगे मिर्ची को। सावधानी से कीजिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो फ्रेंड्स ये उछलती हैं। और फिर इसके ऊपर मैं आपको नमक और थोड़ी सी खटाई डालकर, या अमचूर जिसे बोलते हैं, वो डालकर हम लोग पराठों के साथ खाते हैं। मिर्ची फ्राई कर ली है, अब इसमें नमक और ये खटाई, बस इतनी सी दो चीजें डालनी है और हमारी ये मिर्ची भी रेडी है। अब हमें एक लोई लेनी है, मैं आपको बेलना सिखाती हूँ ये वाला पराठा। इसको आप ऐसे हल्का हल्का सा एक रोटी टाइप बना लीजिए
और इस तरीके से बेल कर और आप इसके अंदर ये जो हमारा चना दाल मसाला है इसको कंप्लीटली आप ठंडा कर लीजिए। और इसके बाद एक स्पून, मतलब जितना आप टॉलरेट कर सके, एक डेढ़ स्पून हमारा इसमें आराम से आ जाएगा मसाला। और इसको हम इस तरीके से क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद सूखा आटा लगा के पराठा बेल लेंगे। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, फटा भी नहीं है कहीं से और बहुत ही अच्छा क्रिस्पी भी बनेगा ये। बस इसके बाद तवा गरम कीजिए और तवे पे डालिए। मैं दिखाती हूँ आपको मेरा तवा। तवा गरम हो चुका है, तवे पे डाल दूंगी और इसको करारा सा हम सेकेंगे। पराठे को हल्का सा इधर से हो जाए फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद यूज में फ्रेंड देसी घी कर रही हूँ, घर का बना हुआ गाय का देसी घी है हमारा, ये दूध से जो मैं बनाती हूँ। बस इसको आप एक बार पकने दीजिए, फिर सावधानी से पलटिए ऐसे। और अब आप इसमें घी लगाइए इस तरीके से, साइडों में थोड़ा डाल दीजिए ताकि किनारे भी पक जाएं। अलट पलट करके आप अच्छी तरह इसको सेक लीजिए इस तरीके से। बस आप इसको सेकते रहिए, मैं आपको सेक कर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग सारे पराठे सेक लेंगे और मैं अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ। प्लेट में निकाल लेंगे और ये मैं दूसरा पराठा डाल रही हूँ, इसे भी इसी तरीके से सेकूंगी और आपको मैं पराठे सर्व करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे पराठे जो एकदम रेडी हैं, ये मैंने आपको दिखाए थे फ्राई चिलीज हैं, अचार है और रायता भी बनाया है। तो इस तरीके से हम लोग संडे का ब्रेकफास्ट करते हैं। और इसको मैं आपको अंदर से खोल के दिखाती हूँ कि कितना अच्छा भरा हुआ, चने की दाल से भरा हुआ पराठा बनता है, ये देखिए। और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरा चैनल पसंद कर रहे हैं मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।